बहुत मेहनत किया था इस बार भी, बट नीट नहीं हुआ। आई एम नॉट गेटिंग आई MBBS कॉलेज। तो ऐसा ना ये नहीं है कि आपने मेहनत किया था उसका कुछ फल नहीं मिलेगा, वो बेकार चला जाएगा। कहते हैं कि मेहनत हमेशा काम आती है। देखो इट्स अ फैक्ट कि नंबर ऑफ एस्पायरिंग एस्पिरेंट जो है बहुत ज़्यादा है, और उसके कंपेरिजन में अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो बहुत कम है। तो इट्स अ फैक्ट कि बहुत से लोग जो है वो अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव नहीं करने वाले हैं, ड्रीम को अचीव नहीं करने वाले हैं बेसिकली। भाई कितना कम ही सीट जो है। सो रेदर गेटिंग स्टक इन द लाइफ, आप यहीं जिंदगी में रुक जाओ कि मुझे तो यही करना है, बस यही करना है, रेदर देन आप कुछ और स्कोप भी है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं और उसमें भी अच्छे करियर ऑप्शन बनते हैं और सैलरी भी अच्छी बनती है इफ़ यू आर वर्किंग। बेसिकली ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनका तो यही मोटो होता है कि लोगों की सेवा करना है, तो इनकम भी होगा और रिस्पेक्ट भी मिलेगा, दोनों ही यहाँ भी आपको भर भर के मिलेगा गाइस। हालांकि इसके लिए आपको नीट के जो मार्क्स है वो मैटर करते हैं कि कितने बने हैं। तो अच्छे स्टूडेंट ही मतलब जो जिनके अच्छे स्कोर बने हैं बेसिकली, तो वही इस तरीके के भी कोर्सेज जो भी आपको यहाँ पे फ्लोटिंग मिल रहा है वो आपको आप उसे अवेल कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको आपके नीट में अच्छे मार्क्स बनने चाहिए। तो उम्मीद है कि आपके अच्छे मार्क्स बने होंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए कि बहुत मतलब उतने नहीं हाई कट ऑफ जाते हैं, मतलब कि 720 पे भी इस बार तो कहीं को नहीं मिल पा रहे होंगे एम्स दिल्ली, तो उस लेवल का नहीं है। यहाँ पे आपके मतलब एवरेज भी अगर मार्क्स बन रहे हैं 300 से अबव, तो देयर इज अ चांस कि आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं और अपने करियर को और आगे बूस्टअप कर सकते हैं। यस वी विल टॉक कि हम किस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं इन डिटेल और क्या उसके जो भी रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हम वी विल ट्राई कि हम उस पर उसे कवर करें और आपको एक उसके बारे में आइडिया जरूर दें। या डोंट वरी हम कवर करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मतलब कितने साल तक आपको यहाँ पे पढ़ाई करना होता है, उसके बाद आपको किस 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 फील्ड में आप वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ये जो कोर्स है आपको प्रोवाइड करने वाला है उस पर भी बात करेंगे, सैलरी क्या होता है उस पर भी बात कर लेंगे, और इसके साथ ही जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नीट में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, इन सब चीज़ों पे भी इस टॉपिक पे भी बात कर लेंगे ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया जरूर मिले। वी आर टॉकिंग अबाउट BHMS। पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बट गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि इसके लिए एक कंडीशन है कि आपके नीट में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स। तो आपके अच्छे मार्क्स हों मतलब अप्रॉक्स 300 से अबव होना चाहिए। तो आप देख लेना कि अकॉर्डिंग टू कैटेगरी तो थोड़ा सा वैरी करेगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग वैरी करता है। बाकी आप 300 के अबव हो तो देर इज अ चांस कि आपको एक कोर्स आपको मिल सकता है। तो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसका जो ड्यूरेशन है 5.5 ईयर्स होता है। तो वहीं अगर हम कोर्स की फ़ी की बात करें तो INR मतलब 1.5 लाख से 3 लाख तक होता है। अगर इसमें एवरेज सैलरी जो है वो 2 लाख से 5 लाख तक मिल सकते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू आप किस कॉलेज में जा रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट कि वो कॉलेज का कितना मतलब रिपूटेशन है, किस लेवल का कॉलेज है, उसके अनुसार थोड़ा सा ये चीज़ें वेरी कर सकते हैं। बट मिनिमम आप इतना अप्रॉक्स रख सकते हैं कि हाँ मेरे को इतना रखना है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसमें कुछ जो पॉपुलर कॉलेजेस हैं उस पर बात कर लें तो डॉक्टर DY पाटिल जो विद्यापीठ है, परूल यूनिवर्सिटी है, MUHS है, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, ये कुछ पॉपुलर BHMS कोर्सेज प्रोवाइड करने वाले कॉलेजेस के नाम थे। और भी हैं बहुत से, आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च करना और जानने की कोशिश करना तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप वहाँ पर जाके इनरोल कर सकते हैं। बट आई एम मोर एक्साइटेड टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू कि क्या आपको जॉब अपॉर्चुनिटी होगा आफ्टर BHMS कोर्स। तो इसमें पहले आपको होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं या पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर बन सकते हैं या फिर फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है और भी बहुत से स्कोप होंगे, आप इसको और थोड़ा सा रिसर्च करना तो आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग। तो नॉट ओनली नीट की आप नीट के थ्रू ही यहाँ पे जा सकते हैं, और भी इसके रिगार्डिंग भी बहुत से इंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं जहाँ से आपको सिलेक्शन इसके लिए किया जाता है, जैसे KEAM हो गया, KEAM हो गया, और एक है PUCET, इस तरीके से और भी कई एग्जाम हैं जो भी इसके रिगार्डिंग कराए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कोर्स पर्टिकुलर, और यू कैन नो मोर अबाउट दिस अगर आप इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं और डेप्थ में, यानी यू आर एक्साइटेड कि मेरे को यही कोर्स करना है, तो आप और इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग गैदर कर सकते हैं और मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, इजिली अवेलेबल है। तो आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम आप इसमें फर्दर मूव ऑन कर सकते हैं गाइज।
सो थैंक यू गाइज़।